नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पीयूष राय, आप देख रहे क्वेश्चन आर भारत। आप लोगों को पता कि अभी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इन सबके सेंटर में एक जगह प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्यों प्रोटेस्ट दिखाने की बात कर रहा हूं। प्रोटेस्ट दिखाया ही जा रहा है, एक ऐसी इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है, एक ऐसी धारणा आपके सामने रखने की कोशिश की जा रही है कि किसान समाज नए किसान बिल से आहत है, क्योंकि आपको सरकार की हर नीति का विरोध करना कंपलसरी है। ये चीज़ें कहाँ कहाँ होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। ऐसे बड़े बड़े प्रोटेस्ट तब होते हैं सबसे ज़्यादा जब वो सरकार, पंजाब सरकार फॉर एग्जाम्पल ले लें, जब उनके दिन बहुत कम बचे होते हैं, इलेक्शन आने वाला तो सरकार जाने के खतरे भी होते हैं, तो रिस्क उठा लेते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या पूरे भारतीय खेती सिर्फ पंजाब में होती है? सर, सिर्फ सिख समाज ही करता है? सिख समाज पे भी आना चाहता हूँ, इसलिए मैं पिन पॉइंट करके आपको बताना चाहता हूँ सिख समाज के बारे में। क्या बंगाल, यूपी, बिहार, साउथ में ये सब, महाराष्ट्र, ये सब यहाँ पे कोई खेती नहीं होती? ये बिल उन पे लागू नहीं होता? ये तो बिल सेंटर ने बनाया है ना सर, तो आप लॉजिक से सुनिए। दूसरी चीज, आपने दो तीन तस्वीरें देखी होंगी जिसमें एक चीज़ ये पोर्ट्रेट की जा रही है कि कैसे जब ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे पुलिस आपको कंट्रोल करेगी, जब आप ये हरकतें करेंगे जो आप फोटो देख रहे हैं। तो जब आप पत्थरबाजी भी करेंगे, पुलिस को अटैक भी करेंगे, कैनन चढ़ के बंद भी करेंगे, तो अटेम्प्ट टू मर्डर भी लग जाता है कभी कभी, और कुछ लोग उनको हीरो भी साबित कर देते हैं। अच्छा, आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्रोटेस्टर्स में और खालिस्तानी फोर्सेज में फ़र्क होता है सर। जैसे 50 लोगों का ग्रुप है, 100 लोगों का ग्रुप है, 500 का ग्रुप अगर मान लें वहाँ पे है, तो उसमें से 100 लोग, 50 लोग अगर रियल सिख और रियल प्रोटेस्टर, रियल किसान भी हैं। मैं क्यों बोला, समझने की कोशिश करिए, हर टर्म पर ध्यान दीजिए, रियल सिख, रियल किसान, रियल प्रोटेस्टर, हर्ष और खालिस्तानी, सब में फ़र्क है। क्या मोटिवेटेड है आपको खुद समझ में आ जाएगा, मैं कुछ अपने शब्दों में बोलूंगा भी नहीं। ये गाड़ियां देखिए, दुनिया का कौन सा ऐसा किसान है जिसको इस बिल से फर्क भी पड़ता है कि आपदा आ जाएगी और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके चलता है प्रोटेस्ट करने के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, दुनिया का कौन सा ऐसा पीसफुल प्रोटेस्ट है कि अपने हक के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट हम करेंगे लेकिन पत्थर भी मारेंगे। तीसरी चीज, दुनिया का कौन सा ऐसा सिख है जो वाकई में सिख है, जो कहेगा कि हम भारत माता की जय भी नहीं बोलेंगे, जय हिंद भी नहीं बोलेंगे, हम तो मुसलमानों के वालेकुम सलाम बोलेंगे और अपने जो सिखों के नारे हैं वो बोलेंगे। और एक तो आवाज़ ये भी आई थी जिसको मैं आप भरोसे से नहीं कह सकता, लेकिन कहते कि पाकिस्तान अच्छा, दिल्ली में तो हमारा दुश्मन बैठा है। नहीं कहते नो भारत माता दी जय, असी तो बोले सोनिहाल, नो भारत माता दी जय, बोले सोनिहाल, अस्सलाम वालेकुम, हाय अल्लाह, यही असी कहांगे। असी भारत माता दी जय नहीं कहां, केजरीवाल नूं कहो कि इत्थे आपदे बंदे असी उन्हां नूं फड़ लेना, जे उन्हां ने भारत माता दी जय कहनी है, भारत माता दी जय मोदी कवे, भारत माता दी जय अपना भोगवत कवे, कोई मर गए वो कहना जय हिंद, नो जय हिंद, नो जय हिंद। असी तां मुसलमान कौम दा नारा चलूगा, सिख कौम दा नारा चलूगा, ईसाई दा चलूगा, मानवतावादी नारा चलूगा, इस करके ये भी बंद होना चाहिदा। तो आपको सुन के ये समझ में आना चाहिए कि सर यहाँ प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, यहाँ प्लानिंग चल रही है, आजमाइश चल रही है। उस हद तक हम आजमा लें। और एक चीज और, एक हमारे अंग्रेज सिख साहब भी आए थे जो ये प्रोट्रे करना चाहते थे कि ये तो एक इंटरनेशनल मैटर है ना, ये एक ऐसा मैटर है जो देश की जियोपॉलिटिक्स को बदल देगा। अच्छा, मतलब 370 हटा तब जियोपॉलिटिक्स नहीं बदल। आपको अगर सारी फोटोज अगर देखी तो उसमें से एक फोटो भी और वायरल हुई थी जिसमें सिख भाई लोग, भाई क्या वो काफ़ी मन थे, तो जो सिख समाज के लोग थे वो अपना असली धर्म का पालन कर रहे हैं, जो उनमें से कुछ लोग थे ना तो अपना असली धर्म का पालन कर रहे थे और वो भूखों को खाना खिला रहे थे, जो उनका धर्म, कर्तव्य, सब कुछ है, जो उनकी रियलिटी है। लेकिन जो उसमें जो रेडिकल लोग थे, जो खालिस्तान समर्थन थे, जो खालिस्तान की पैदाइश ही पाकिस्तान के पंजाब से निकली है और इस टर्मिनोलॉजी से लेके इस कॉन्सेप्ट तक इसकी पूरी पैदावार मुसलमानों द्वारा निकाली गई है पाकिस्तान के। सर, आप खुद भारत के टुकड़े करना चाहते हैं और आप दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि भारत के और टुकड़े करो, तो ये पूरी प्लानिंग सिर्फ भारत तोड़ने की है सर, किसी बात का, किसी बिल का, किसी सरकार का प्रोटेस्ट करने की नहीं। ये लोग वो हैं जो मौके मौके पे आके, बात बात पे आके एक संगठित भारत को सिर्फ इसलिए तोड़ना चाहते हैं
कि उनको कहीं से मोटिवेशन मिली है, उनको अपना एजेंडा चलाना है, उनको खालिस्तानी या इस्लामिक या रेडिकल इस्लामिक या जिहादी मानसिकता को ज़मीन पे लाना है, और कैसे भी करके मेन स्ट्रीम जो बड़ा समाज है उससे कुछ भी करके एक ऐसा भेदभाव का माहौल पैदा कर देना है कि अगर अब सिखों की इमेज जाएगी पूरे देश में तो ऐसी होनी चाहिए। वो डिमांड भी करेंगे खालिस्तान की, वो खाना भी खिलाएंगे, वो अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे, मिक्स कर दो, कन्फ्यूज हो जाए समाज। अगर कोई सिख भाई कोई पाकिस्तान से कोई पंजाब से कोई कहीं से ग्लोबली अगर देख रहा है, सिख को समझने की कोशिश करिए कि आप डिसाइड करिए कि आपकी छवि, आपकी छवि ये जो कुछ गिने चुने, मैं अभी मैं कुछ गिने चुने ही बोलूँगा, आप ये मत कन्फ्यूज करिएगा कि इस्लाम में भी कुछ जो गिने चुने जिहादी होते हैं वो गिने चुने नहीं होते, उंगलियों पर आप नहीं गिन सकते, इनको आप गिन सकते हैं और ये भी मोटिवेटेड वहीं से हैं, पाकिस्तान के पंजाब से, समझ में आ रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कुछ गिने चुनों को जो बना दिया गया, क्या पता वो अंदर से मुसलमान हो। जैसे आप ये तस्वीर देखिए, ये नज़ीर मोहम्मद साहब हैं, कभी वेशभूषा बदल के चले जाते हैं सिख बन के, कभी आप नज़ीर मोहम्मद बन जाते हैं सोशल मीडिया पे। तो असली सिख ना सर, सर कटा देता है, बाल नहीं कटाता, पगड़ी नहीं उतारता, समझ में आ रहा है, इतनी रिस्पेक्ट होती है। तो आप एक ऐसे समाज को इंसल्ट कर रहे हैं, एक ऐसे समाज को या उसके कंधे के ऊपर बंदूक रख के तान रहे हैं, और वो भी किसके खिलाफ, जहाँ से वो खुद निकला है, मतलब सिख को हिंदुओं से लड़ाने का काम कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, मतलब कि टेक्निकली और कोर तो यही है आपका। खैर, इस वीडियो में मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि आज लाइव आएंगे और कई मुद्दों पर मैं कुछ लोगों के सवाल का जवाब मैं दूंगा, जो मेरे पास ऑलरेडी 3-4 प्रश्न हैं जो एक मुस्लिम भाई ने पूछे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो लाइव आके जरूर देखें, और किसी को भी उनके जवाब में इंटरेस्ट हो और किसी को भी उनके या मुसलमानों के कुछ अपने सवाल हों जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म या ऐसा कुछ हो जो उस पर आपके हैं, आपके जवाब सुनने का मन हो या और सवाल पूछने का मन हो, तो आप आ सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन शर्त यह है कि अगर आपने सवाल पूछा है, जवाब की उपेक्षा रखते हैं बिना काट मार के, जाहिर सी बात है, तो मैं भी अगर कुछ सवाल पूछूंगा तो आप इस बात से आहत मत हो जाइएगा कि ये तो इस्लाम मजहब के ऊपर उंगली उठाने जैसा है या मोहम्मद साहब या अल्लाह के ऊपर उंगली उठाने जैसा। ठीक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।